हेलो एवरीवन, वेलकम इन इजी वे। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मेरा वीडियो देखने से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो मेरा चैनल इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विदाउट योर हेल्प मेरा चैनल का कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ हेल्प मी टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहचान से। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। यानी काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और शुरू होने का समय दिया होता है। दूसरा, पहचान करने का पहला ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, एक ये और दूसरा ये। चलिए अब हम रूल पे आते हैं। रूल फर्स्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, नंबर हो या प्लुरल हो, एकवचन या बहुवचन, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड भी नहीं लगाएंगे हम इसे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, रूल पहला समझ में आ गया। दूसरा रूल यह है कि समय दिखाने के लिए फोर या सिंस लगाते हैं। सही बात है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैंने पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। तीसरा क्या कहता है, समय के अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम। सिंस किसके लगाते थे, पॉइंट ऑफ टाइम। अब फोर किसके लिए लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाते हैं। यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। फॉर टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। अगर आपको सिंस और फोर में प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत भी, तो मैं एक अलग से सिंस और फोर के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप कृपया देख सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीन तीन रूल यानी 3 rules। अब ये 3 rules को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझते हैं रूल को। तो एग्जाम्पल पहला, सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। जैसे देखिए, है ना, आप बोले थे आपको पहला पहचान, रही थी, रहा था, ये वो खेल रही थी। सीमा हैड बीन, देखिए यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन रूल पहला हम बोल रहा है कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन ही लगाएंगे हम। इस पे इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि अभी तक जितना भी हम टेंस पढ़े हैं उसमें सब्जेक्ट के अनुसार एक्चुअली वर्ब चेंज होता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लुरल नंबर, एक वचन या बहुवचन, एक्चुअली वर्ब सेम ही रहेगा, हैड भी नहीं सबके साथ लगेगा। अब वर्ब उसके बाद वर्ब वन के साथ आई एन जी लगाया। वी वन क्या होता है, प्ले, प्ले के साथ आई एन जी, प्लेइंग हो गया। विथ हर डॉल, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग देखिए क्या है, सुबह से, सुबह से, यहाँ देखिए सिंस का हम एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, सुबह से, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा सिंस, सिंस मॉर्निंग। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, वे दे हो गया, हैड बीन ये वेटिंग, वी वन प्लस आई एन जी, वेट का आई एन जी लगा दिए, वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर, 5 घंटे से। यहाँ क्या, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ फोर क्यों लगा है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे 5 घंटों से बता रहा है, तो फोर किसे लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही है, दोज वोमेन हैड बीन, ठीक है, वॉशिंग, आई एन जी लगा दें, देयर क्लॉथ फॉर 3 आवर्स। यहाँ भी देखिए फोर इसीलिए लगाए क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, अगर जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जनरलाइज करके एक टेबल बनाते हैं जो कि आप लोगों को रिमेम्बर करने में
याद करने के लिए सावधानी होगा, मतलब सुविधा होगा, तो वो टेबल ये रहा।